यूनिक ऑनलाइन गुरु, जल्दी जल्दी सभी लोग क्लास में जुड़ जाओ। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो कि बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कुछ बता होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। ओके, क्या होता है सम्मिश्र संख्या भाई? तो जो अगर कह सकते हो फॉर्म ऑफ आयोटा, ऐसा नंबर जो आयोटा के फॉर्म में हो। ये क्या होता है भाई? आयोटा एक सिंबल होता है। तो पहले देख लेते हैं कि नंबर इन फॉर्म ऑफ आयोटा, यानी ऐसा नंबर जो क्या हो, आयोटा के फॉर्म में हो। आयोटा क्या होता है भाई, तो वो भी देख लो। आयोटा क्या होता है? ऐसा नंबर जिसमें आयोटा जिसके साथ जुड़ा होता है, उसको हम एक इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। लाइक इस तरह से वो एग्जांपल में हम एक नंबर दे देते हैं, आयोटा फॉर्म का नंबर क्या होगा, जैसे 2+√3i, ऐसे दे दिया। और ये दिया 2-3i, ऐसा दे दिया। तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भाई? तो आपको ये चीज हमने बताया भाई कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, या ये कह सकते हो कि ऐसा कंपाउंड नंबर का जिसमें रियल नंबर और क्या हो, इमेजिनरी नंबर। जो इमेजिनरी नंबर होता है ना, उसी को हम आयोटा के फॉर्म दिखाते हैं। ये आया कहाँ से? आयोटा। तो ये एक नंबर है, जब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखते हो ना, तो इसमें आपने चेक करा कि ये आई आया कहाँ से, तो ये थोड़ा सा समझेंगे। आप ये जानते हो क्या, f² + 1 बराबर, मैंने कहा एक इक्वेशन है हमारे पास, x² + 1 = 0। तो यहाँ अगर मैं x की वैल्यू पूछे तो क्या आ जाएगा, कहोगे x² = -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √-1 आई क्या। और ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हमारी कैसी वैल्यू है, इमेजिनरी। अगर रूट में निगेटिव वैल्यू होती है तो वो क्या कहलाती, इमेजिनरी। इसे क्या कहते हैं हम, इमेजिनरी नंबर, है ना, इमेजिनरी नंबर। तो यही इमेजिनरी नंबर आपका क्या कहलाता है, इसको हम एक सिंबल के फॉर्म में दिखाते हैं। √-1 को एक सिंबल के फॉर्म में दिखाते हैं, वो सिंबल क्या है, तो उसे वो हम आयोटा से दिखाते हैं। तो इसी को कहते हैं √-1 = क्या हो गया, आई। और इसी को हम क्या पढ़ते हैं, आयोटा सिंबल। ये सिंबल का नाम क्या है, आयोटा। ये क्या है, एक सिंबल है, किसका सिंबल है, इमेजिनरी नंबर √-1 का। क्लियर हुआ? अब अगर यही एक स्टूडेंट का मेरे से क्वेश्चन था कि मैम कैसे हम आयोटा की वैल्यू देंगे, यानी आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये बताओ कि आपको पता चल रहा है यहाँ पे आई बराबर होता है √-1, तो i² = क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मैम, 2√-1² और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्या कैसे आएगा, तो √-1 × √-1, यही तो होगा ना, √-1² √-1 × √-1, तो क्या मिलेगा भाई, तो कहोगे मैम √√ मल्टीप्लाई होता है, रूट हट जाता है, केवल ये वैल्यू आती है। गॉट इट? अब इसके बाद अगर मैं कहूँ आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आई क्यूब को क्या हम ऐसे दिखा सकते हैं, i² × i लिखा जा सकता है ना। जब बेस बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 1 3 यही हो जाएगा। तो आपको पता है मैम i² की वैल्यू -1 है और रूट आई, इसकी वैल्यू आई, तो इसका ऐसे ही फॉर्म में लिखते हैं, आई ही लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, -i, यानी आई क्यूब की वैल्यू क्या आती है, माइनस आई रखते हैं, ध्यान रखना। इसी तरह अगर मैं कहूँ i² की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये भी लिख सकते हो कि मैम i² × i² कह दीजिए, या तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, i³ × i, है ना। अगर लेकिन हम ये ज्यादा सही लगता है कि i² × i² लिखते हैं, i² × i² यानी -1 × -1, यानी इसकी वैल्यू क्या आती है, -1 × -1, क्या जाएगा, +1 आएगा क्या, तो यानी i⁴ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, +1। तो ये चीजें समझ में आ रही हैं। अब एक चीज और बता देते हैं हम पार्ट, है ना, और बाकी उसके बाद हम तो चीजें सीखते ही रहेंगे। तो अगर मैं कहूँ i⁵ की वैल्यू क्या होगी, तो i⁵ का भी इस तरह निकाल लोगे कि i⁴ × i हो जाएगा, और i⁴ की वैल्यू मैम 1 है, और i × i, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, i बन जाएगी, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको जानना, ठीक है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाया आपसे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी आई के घाते 5, ऐसे ही आई के घाते 6 होगी, तो आई के पावर 5 × क्या हो जाएगा, आई। तो आप वैल्यू पुट कर करके सवाल आराम से और आसानी से इन सब के सॉल्व कर सकते हो। इसमें वैल्यूज क्या क्या पूछती है, अभी हम एक चीज मैंने नाम लिया ना,
जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये कंपाउंड होता है। किस चीज का कंपाउंड? तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का। तो भाई रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कंपाउंड होता है। चेक करते हैं, अगर मेरे पास 3+2i है ना, तो यहाँ पे जो 3 होता है ना ये इमेजिनरी पार्ट होता है ना। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर कई पार्टों से मिलकर बनता है, जैसे आप कॉम्प्लेक्स इक्वेशन या कॉम्प्लेक्स क्या देखते हो, मैटर देखते हो, तो उसमें कई वो फॉर्मूले से मिलके बना होता है, यानी कई पार्ट उसके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे भी अलग अलग पार्ट है। कहाँ देखेंगे, कौन कौन से पार्ट है भाई? तो देखो, जो आपका जिसमें आयोटा नहीं लगा होता उसको कहते हैं हम रियल पार्ट। क्या बोलते हैं भाई उसको? हम बोलते हैं रियल पार्ट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक भाग, वास्तविक भाग। और जो हमारा ये होता है जो आयोटा के साथ लगा होता है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को क्या कहते हैं? काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग। अच्छा, अगर जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट किससे कहते हैं? तो जेड से। तो यहाँ पे पीछे देख लेते हैं, यहाँ पे तो जगह फिलहाल है नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय बाय जेड। लाइक थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, इट मीन्स जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, है ना। इसमें दो पार्ट होंगे, जो ए होगा यानी ए वाला पार्ट पहला वो रियल होगा, और जिसके साथ आई लगा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। इसको शॉर्ट में, इसको हम शॉर्ट में कैसे दिखाएंगे रियल को? तो आर ई जेड ऐसे अंदर, यानी रियल का, यानी कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। और ये जो बी होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो आई एम ब्रैकेट में इस तरह जेड, इसका ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ आर ई जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और आई एम जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है हमारा? इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे हमारा इसी तरह इसमें क्या होता है कि हम इसको कंपेयर भी करते हैं इमेजिनरी से दूसरे इमेजिनरी वैल्यू की, यानी सॉरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ये भी किया जाता है, इसमें अलग अलग क्वेश्चन, इसके अलग अलग ऑपरेशन है। तो बाकी की चीजें हम आगे की क्लास में बताएंगे। तो आपको ये बेसिक नॉलेज है, तो आपको देख के लगा होगा मैम बहुत सरल है, कुछ तो था ही नहीं। इम्पोर्टेंट तो यही है, इसके बाद आपको वैल्यूज कुछ आराम से निकलेंगे। तो आप इंट्रो जिसे मैंने दिया, तो ये चीज आपको बहुत मायने रखती है कि आप समझ पा रहे हो नहीं।